शेख, मेरा ये सवाल था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में सिर्फ 11 रकात पढ़ते थे, तो रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी पढ़ा करते थे और गैर रमज़ान में तहज्जुद पढ़ा करते थे, ऐसा था क्या? ठीक है, ये सवाल को शेख किफायत ने भी मुख्तसर में कवर किया था, लेकिन एक बार फिर शेख, क्योंकि ये सवाल चैट में भी बाज़ लोग पूछ रहे हैं और ये मसले को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी ये जो दावा है ना बाल लोगों का कि तरावी और तहज्जुद अलग अलग है, तो इस दावे के सबूत में ये जो भाई साहब ने सवाल किया है, बड़ा ही अहम सवाल है कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी अलग पढ़ते थे, तहज्जुद अलग पढ़ते थे? तो इस बात का कोई सबूत नहीं। देखिए, सुनन कर तिर्मिजी की रवायत है कि अल्लाह के सकता नबी हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रात तरावी जमा से पढ़ाई। तो पहली रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी तो सुलसे लैल तक, दूसरी रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी तो निसफे लैल तक, और तीसरी रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ाई थी तो बिल्कुल अखीर तक, रात की अखीर तक गए थे। यहाँ तक कि साहब कहते हैं तखवफनल फला, हमें डर हुआ कि कहीं हमारी सहरी ना छूट जाए। आप सोचिए, जब पूरी रात तरावी ही हो रही है तो तहज्जुद कहाँ पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? यानी उस रात में तो तहज्जुद पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं। साहबे कराम कह रहे हैं कि सहरी मिल पाएगी कि नहीं, उस बात का डर था, तो तहज्जुद कहाँ से पढ़ेंगे? तो अल्लाह जी के नबी शेख, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी तरावी के साथ तहज्जुद नहीं पढ़ा है। असल में तरावी ही तहज्जुद है, तरावी ही तहज्जुद है, जो आम दिनों में इसी नमाज का नाम तहज्जुद है और रमजान में इसी नमाज का नाम तरावी है। और मैं पहले अभी बता चुका हूँ कि ये नाम जो तरावी नाम है, ये हदीस से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है, सहाबे कराम से साबित नहीं है, बाद के लोगों ने ये नाम दिया है। वरना हदीस में तो आपको क्याम लेल मिलेगा, हदीस में तो सलातुल लेल, जैसे तहज्जुद को सलातुल लेल कहा गया, ऐसे क्याम रमजान को भी सलातुल लेल कहा गया है, तो दोनों को सलातुल लेल कहा जाता है। तो ये तरावी का लफ्ज ही बात का दिया हुआ है, इसलिए तरावी तहज्जुद अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, दोनों एक ही नमाज है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी एक रवायत से साबित नहीं है कि आपने दोनों अलग अलग पढ़ा हो, यानी तरावी के नाम से कोई अलग नमाज पढ़ी हो और तहज्जुद के नाम से कोई अलग नमाज पढ़ी हो, ये कतन साबित नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।